नाम है पेशेंट का? हार्दिक वाजपेयी। एज क्या है? बच्चा है हमारा 8 साल की उम्र। कहाँ के रहने वाले? कानपुर के। जब आए थे बच्चे को उस समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी? क्रिएटिनिन लेवल काफी बढ़ा हुआ था उसका। उससे पहले उसको यूरिन की दिक्कत थी, यूट्रिन सिस्टम का रीइम्प्लांटेशन हुआ था, तो क्रिएटिनिन लेवल उसका 1.42 था जब लोग यहाँ पर आए थे। उसके बाद में फिर यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो अभी काफी इम्प्रूवमेंट है। क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं? इम्प्रूवमेंट इन द सेंस, एक तो क्रिएटिनिन ही काफी डाउन हो गया, 1.42 से 1.13 पर आ गया है। okay. और स्टेटिक है पिछले एक महीने से। तो और उसके अलावा उसको यूरिन में दिक्कत हो रही थी, वो भी काफी इम्प्रूव हुआ है उसमें। तो काफी वो फ्रेश महसूस कर रहा, मतलब उसको इस तरीके से ऐसे लग नहीं रहा है कि जैसे कोई दिक्कत हो। अगर उसको कोई नॉर्मल देखेगा तो उसको पता नहीं लगता देखने से कि हाँ उसे किस कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। और पहले इनको बेड वेटिंग की भी प्रॉब्लम थी, उसमें भी जी कभी कभी करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो क्रिएटिनिन जो है ये तो बच्चा मतलब बहुत ज्यादा नहीं बड़ा हुआ था और स्टेबल इम्प्रूवमेंट्स आई है। टेस्ट कहाँ से कराया? हमने कानपुर से, रेजेंसी। तो कानपुर में रेजेंसी में डॉक्टर्स ने क्या बताया था आपको इस बीमारी के लिए, क्या सजेस्ट दिया था? मतलब उन्होंने बोला जैसे बच्चे की उम्र अभी कम है तो ये अभी तो इस हिसाब से मेंटेन, उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया वो कहा था हम इसको मेंटेन रखेंगे, मतलब क्रिएटिनिन डाउन नहीं होगा और जैसे जैसे बच्चे की बॉडी पे लोड बढ़ेगा तो हो सकता है आने वाले समय में क्रिएटिनिन और बढ़ जाए। तो बस उसी वजह से फिर हमने दूसरा ऑप्शन देखा कि हमें ये लगा कि एलोपैथिक में अगर कोई इम्प्रूवमेंट का ट्रीटमेंट नहीं है तो हमने सोचा दूसरे ऑप्शन। फिर हमने कुछ नेट में सर्च किया तो जहाँ से हमें पता लगा, आपके बारे में पता लगा और ये पता लगा कि आयुर्वेदिक में पॉसिबिलिटीज है कि क्रिएटिनिन को कम किया जा सकता है, नॉर्मल रेंज में लाया जा सकता है। काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स आई है। रेजेंसी हेल्थ केयर से इन्होंने टेस्ट कराए हैं 9/8/2018 और की रिपोर्ट है 1.42 तक चला गया था, इसमें 1.32 हुआ उसके बाद इनका 9/8/2018 रेजेंसी हेल्थ केयर कानपुर के। उसके बाद फिर उन्होंने एक लेटेस्ट कराया है, ये इन्होंने कराया 28/12/2018। क्रिएटिनिन इसके अंदर 1.13 हो गया। एक और इन्होंने टेस्ट कराया है लास्ट मंथ का भी, इनका स्टेबल है, क्रिएटिनिन जो है वो फर्दर रिड्यूस हुआ है 1.13 इस रिपोर्ट में। 26/10/2018 में भी 1.13 हो गया था और बढ़ा नहीं है दोबारा, 1.13 हो चुका है अब जो इन्होंने लेटेस्ट कराया, राइट फ्रॉम 1.32 और 1.4 रेजेंसी की रिपोर्ट है दोनों। इसके अलावा प्रोटीन भी जा रहा था बच्चे का, 9/8/2018 में प्रोटीन वो ट्रेसिस की फॉर्म में था और रेजेंसी से ही उन्होंने दोबारा कराया 28/12/2018 और अब जो है ये नील हो चुका है। तो 8 साल का बच्चा है और 8 साल के बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम जो क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया था उससे निजात मिली और बहुत अच्छे से इनको रिजल्ट्स आए और सब चीज़ों में इनको चेंजेस विजिबल हुए किस किस तरीके से। बेड वेटिंग भी प्रॉब्लम थी बच्चे को, साथ में क्रिएटिनिन भी इंक्रीज कर रहा था और प्रोटीन भी जा रहा था, तीनों चीज़ों में इनको इम्प्रूवमेंट्स विजिबल हुई। और ये सारी कानपुर के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रेजेंसी, तो जी काफ़ी बड़ा, काफ़ी फेमस हॉस्पिटल कानपुर में, काफ़ी फेमस है, काफ़ी रिपोर्ट्स आती है कानपुर जी हॉस्पिटल। तो उस तरीके से इनको बहुत वहीं से इन्होंने टेस्ट कराए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट आते हुए।